भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 5,734 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 166 लोग इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 540 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 17 लोगों की जान गई है। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली खबर ये है कि इस बीमारी से 473 लोग ठीक हो चुके हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 93 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 669 हो गई। दिल्ली में फैलते संक्रमण को देखते हुए ही केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली के 20 हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का ऐलान कर दिया। वैसे दिल्ली सरकार से पहले यूपी सरकार ने बुधवार को ही ऐसा बड़ा कदम उठाते हुए सूबे के 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डिटेल बैठक की है और ये पाया कि उन जिलों में, जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहाँ पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहाँ के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए, पूरे एरिया को जो है उसको ये हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। मैं थोड़ा सा डिटेल इन जगहों के लिए देना चाहूँगा। हमने अभी, हम और DGP साहब ने अभी ये बैठक सभी VC सभी उन 15 जिलों के DM, SP या पुलिस कमिश्नर्स के साथ की है, तो हम ब्रीफ करते हैं आपको। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट है, 4 छोटे हॉटस्पॉट है, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत की वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल गई थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी DMs और SPs को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। बता दें कि देश में मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सख्त कदम भी उठा रही हैं।